क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सेकंड काउंसलिंग की कोई फीस है, उदियां कैटागरी ने, फिर मेरे ख्याल डिटेल च दसना पेगा कि एक तो वो ने जिन्ह ने ये सीट मिल गई सी SEAT सीट ये मिल गई अलॉट हो गई अलॉट ओके अलॉटड लिख दिने हाँ इतने नॉट है ना अलॉट है जिन्ह ने नॉट अलॉट सी सैकेंड काउंसलिंग जा रहे हैं इन्होंने कोई फीस नहीं देनी नो फीस इन्हों की कोई फीस नहीं है ठीक और जेड़े अलॉट हो चुकी सी उन्होंने विच्चों इन्हों का फस्ट रैंक सी किसी का और फस्ट रैंक लैन तो बाद भी ये जां तां रिपोर्ट नहीं की फीस जमा नहीं कराई कॉलेज नहीं गए यदा मतलब है रिपोर्ट नहीं की कॉलेज फीस जमा नहीं हुई है ना तो सैकेंड काउंसलिंग जाना चाहते हैं ये सैकेंड काउंसलिंग जाते हैं ध्यान देखना इन्हों दे 1000 रुपया लग सकता है ठीक है पिछले केसिस के मुताबिक लिखा कित नहीं है लग सकता है सो जिन्हों फस्ट मिली सी लेकिन उन्होंने फीस नहीं पे की जो दूसरा है फीस पे कर भी दिती है उन्होंने कॉलेज जाके तो हूँ वो शिफ्ट करना चाहते हैं इनू शिफ्टिंग कहें शिफ्टिंग की भी फीस 1000 रुपया लगेगी ठीक है दूसरा है कॉलेज अलॉट उन्होंने ये फस्ट रैंक वाले बच्चे से जिन्होंने फस्ट प्रैफरेंस पहला कॉलेज जिन्होंने भरिया मिल गया सी है ना बाकी इन्हों तो इलावा जिन्हों को दूजा रैं दूजा प्रैफरेंस कॉलेज की मिली सी दूजे नंबर पर जिहड़ा कॉलेज भरिया मिल गया तीजे नंबर पर कॉलेज भरिया मिल गया चौथे पर भरिया मिल गया तो ये जे रिपोर्ट नहीं करते सैकेंड काउंसलिंग जाते हैं इन्हों की कोई फीस नहीं होगी नॉर्मल पिछले रूल्स के मुताबक ठीक सो इन्हों फिर चॉइस फिल करेंगे अपने मुताबक और फिर वो काउंसलिंग जा सकते हैं हाँ हाँ जे इन्होंने भी इन्हों सैकेंड थर्ड फोर्थ कॉलेज प्रैफरेंस इन्हों की मिली सी पर इन्होंने फीस जमा करवा दी जाके कॉलेज इन्होंने फीस जमा करवा दी फीस जमा कराने तो बाद जे ये फिर सैकेंड काउंसलिंग आना चाहते हैं उसनों शिफ्टिंग कहेंगे शिफ्टिंग का मतलब है कॉलेज विच एडमिशन ले ली है हुण मैं शिफ्ट करना चाहता हाँ फिर इन्हां दी 1000 रुपया जरूर लगेगी सो ये थोड़ी अजीब जी समझण वाली कैटेगरी है डिस्टर्ब नहीं होना थैंक यू